नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी संगठन की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी समेत सभी विधायक और सांसद भी मौजूद रहे। वहीं बैठक में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव समेत दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा को एक बड़ी सौगात देने के लिए आ रहे हैं। एम्स का उद्घाटन और उसको लेकर के आज सभी यहाँ पर हमारे विधायकगण और सभी सांसदगण, मंत्रीगण, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सभी को इस बात को लेकर के रैली को कि भव्य स्वागत हमने करना है। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। जैसा भी एजेंडा होगा उस एजेंडे के हिसाब से चुनाव के समय के दौरान में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है और बॉर्डर पर हालात बने हुए हैं, लगता है इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, क्योंकि जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में किए हैं, ऐतिहासिक कार्य किए हैं और आज तक मेरे ख्याल से किसी सरकार ने इतने नहीं किए। स्वयं पंजाब में आम आदमी की सरकार है, आम आदमी की सरकार भी हमारे हरियाणा के अंदर अगर बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो 14 अन्य फसलें एमएसपी पर किसान की खरीदी जा रही हैं। किसान की अगर फसल का खराबा होता है उसका मुआवजा सीधा डायरेक्ट उसके घर के ऊपर पहुंचाया जाता है, उसको जोखिम फ्री किया है। और बैठक के बाद से प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बैठक में हुई चर्चा पर जानकारी दी है और क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनिए। कि जो बैठक थी हमारी, प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और हमारे सभी माननीय सांसदगण, सभी मंत्रीगण और सभी विधायकगण, पार्टी के हमारे प्रमुख नेतागण आज इस बैठक के अंदर मौजूद थे। 16 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं आज। और बैठक के बाद से सांसद सुनीता दुग्गल ने बैठक की जानकारी दी। दुग्गल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 16 फरवरी के रेवाड़ी दौरे पर चर्चा इस बैठक में हुई है। आप सब लोगों को मालूम ही है कि लोकसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल नजदीक है और माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो हरियाणा को सौगात देने जा रहे हैं। रेवाड़ी में जो एम्स खुलने जा रहा है तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो उसलिए सभी संगठन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो सभी को दिशा निर्देश दिए हैं। और इसके साथ साथ और क्या क्या कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के उस दिन शिलान्यास के या इनॉग्रेशन के रहेंगे उसके बारे में भी जो है विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की। क्या क्या चर्चा रही है मैम, क्या कार्यक्रम होंगे मैम? क्या कार्यक्रम? देखिए, हमारे संगठन के अलग अलग कार्यक्रम चलते रहते हैं, जैसे गांव चलो अभियान है। और हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर के गृहमंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बता दें कि गृहमंत्री ने कहा है कि किसानों का मकसद दिल्ली में जाकर केंद्र से बातचीत करना है, तो केंद्र सरकार चंडीगढ़ में आकर दो बार बातचीत कर चुकी है, एक बार फिर भी बातचीत करने को तैयार है। ऐसे में किसानों की दिल्ली जाने की बात समझ से बाहर है, इनका क्या मकसद है? इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए और सरकार से बातचीत करनी चाहिए। अगर किसान बातचीत करते हैं तो केंद्र सरकार की बातचीत करने के लिए वो तैयार है। और इस आंदोलन को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था पर भी गृहमंत्री ने कहा कि हरियाणा में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और हमारे अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर पूरे प्रबंध भी किए हैं। दिल्ली जाने का अगर इसलिए है कि केंद्र सरकार से बात हो, तो बात तो केंद्र सरकार दिल्ली से यहाँ आकर कर रही है। दो बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये
दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। स्थिति को संभालने के लिए क्या क्या सरकारी नहीं, पूरी तरह से तैयारियां हैं, हम शांति भंग नहीं। और हरियाणा में किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच के मद्देनजर प्रदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में आमजन की सुविधा के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। फिलहाल प्रदेश में हालात नियंत्रण में है और हरियाणा पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही भ्रामक और भड़काऊ सूचना को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करें। ऐसा करने वालों से हरियाणा पुलिस द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा और इसी के साथ ही किसी भी प्रकार की असहज स्थिति से बचने के लिए हरियाणा पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करने को कहा है। द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान के चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा आम जन की सुरक्षा के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश में स्थिति अभी नियंत्रण में है। आम जन से यह अपील की जाती है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक अथवा भड़काऊ पोस्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ हरियाणा पुलिस द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा लोगों से यह भी अपील की जाती है कि वे किसी भी प्रकार की गैर जरूरी यात्रा से बचें और यातायात संबंधी अपडेट्स के लिए हरियाणा पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को लगातार फॉलो करते रहें। और अंबाला के शंभू बॉर्डर में किसानों और पुलिस के बीच खींचतान में एक तरफ जहां हरियाणा के कई पुलिस वाले जख्मी हो गए तो वहीं पंजाब की तरफ से कई किसानों और पत्रकारों को भी चोटें आई हैं। अंबाला के नागरिक अस्पताल में इमरजेंसी को देखते हुए डॉक्टरों की विशेष टीम ड्यूटी पर तैनात की गई। अंबाला के नागरिक अस्पताल में एक डीएसपी समेत कुल 7 लोग लाए गए थे, जिनमें से 4 अंबाला पुलिस के हैं और 3 रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं। सभी को पत्थर से मैम बाकियों को कैसी इंजरी है, मतलब पत्थर से ही चोट लगी है या आंसू गैस के गोले की वजह से? वो व्हाइट कलर का कुछ अप्लाई किया हुआ था चेहरे पर, वो क्या है ये नहीं पता हमको कैसे आई है, पर आपने टोटल पूछा तो 7 है। जिस तरीके की वहाँ पे घटना हो रही, कैसी तैयारियां हैं सिविल हॉस्पिटल की? हमारी तैयारी, हम पूरी तैयार हैं, सुबह से हम तैयारियां कर रहे थे। हमें मालूम था ये कुछ आज जैसे घटने वाला है, तो मेरी टीम, मैं अंडर द सुपरविजन ऑफ सिविल सर्जन, हम पूरी तैयार है, हमारे पूरी तैयारी है। ठीक है, ठीक है। और हरियाणा और दिल्ली के बीच टीकरी बॉर्डर को पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया है। सड़क के बीचों बीच कंक्रीट के बड़े बड़े पत्थर रखकर बॉर्डर पर राजधानी दिल्ली से आने जाने वाले दोनों तरफ के रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। वहीं बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर पुलिस ने कंक्रीट की मोटी दीवार बनानी शुरू कर दी है। झज्जर जिले के एसपी अर्पित जैन और दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और एक दूसरे से इनपुट भी साझा किए। राजधानी दिल्ली में किसानों की एंट्री किसी भी कीमत पर न हो, इसके लिए रणनीति भी तैयार कर ली गई है। अभी देखिए, मैं अगर झज्जर जिले की और टीकरी बॉर्डर की बात करूँ तो पूर्ण शांति है यहाँ पर और कोई ऐसा कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी है। कुछ जो यहाँ की इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, जो लेबर हैं, उन्होंने ज़रूर अपना विरोध जताया है कि कोई भी आंदोलनकारी यहाँ ना आए, क्योंकि उनका रोजगार इससे प्रभावित होता है। तो उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन यहाँ शांतिपूर्वक किया था। बाकी पूर्ण शांति यहाँ बनी हुई है और हमारी पूरी तैयारी है, और कोई भी उपद्रव करता है, कानून व्यवस्था को बिगाड़ता है, तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस के भी लगातार जो अधिकारी है वो यहाँ आकर जायजा ले रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से मेरी निरंतर बात हो रही है और अभी जो डीसीपी आउटर हैं, जॉइंट सीपी साहब है, वो आए थे यहाँ पर। और किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि किसानों और सरकार के बीच चली करीब 5 घंटे की बैठक जो है वो बेनतीजा रही, जिसके बाद से किसानों ने अपने कहे अनुसार दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है। और बैठक के बाद किसान नेता जगजीत सिंह ढलेवाल ने कहा कि सरकार ने नया प्रपोजल नहीं दिया, सरकार अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है।
अगर सरकार इसी तरीके से काम करती है, नहीं हमारी बातों के ऊपर ध्यान देती, तो फिर कल 10 बजे हमारी मजबूरी बनेगी, हमें आगे बढ़ेगी। क्या किया जी सरकार ने क्या किया, जवाब दिया सरकार हुई है? ओ यार एनआई दो माइक ने, मड़े नीचे करो एक माइक। आप जी हां गल बड़ी स्पष्ट है, माइक मत पकड़ो यार, यार दो माइक लगा रखे हैं बड़े ने। सरकार की ओर से जो बात आई है वो वही की वही है, जो आगे बढ़ने की सरकार की ओर से कोई प्रपोजल नहीं आई, वही प्रपोजल जो पहले थी, और वो प्रपोजल उस प्रपोजल के ऊपर विचार चर्चा करने को यार नीचे कर लो फिर करण जी। वो पूरे का पूरा एसडीएम बैठा है हमारा वहाँ उनके साथ, मुंह तो बचेगा। और ये बात जरूर है कि हमारी हमारी मजबूरी बनेगी, अगर सरकार इसी तरीके से जिद्दी रवैया अख्तियार करती है तो फिर हमें मजबूर सुबह आगे बढ़ना। कुरुक्षेत्र से पंजाब के पटियाला शहर को लगते ट्यूकर बॉर्डर को हरियाणा प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। सड़क पर तीखी कीले लगाई गई हैं और सीमेंट के बैरिगेड रास्ता रोकने को लेकर के सड़क पर रखे गए हैं। सीमेंट से सड़क पर दीवार बनाई जा रही है, जिसकी वजह से रास्ते से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं बच्चों को लेकर पैदल चलने के लिए मजबूर है, वहीं बुजुर्गों को भी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। साधन ला के दे, अखा मीच के बैठा हुआ सिर्फ मंदिर मंदिर किसान सरदार इनू देखना नहीं चाहिए। मोदी की यह सोच है, एडी भैड़ी सोच वाला प्राइम मिनिस्टर 65 साल की उम्र मैं अज तक नहीं देखा। यह जे प्राइम मिनिस्टर मैं कहना देश निकाला मिलना चाहिए। क्या कहना चाहोगे किसानों के बारे में? किसानों के बारे में यह कहूंगा, मैं खुद किसान हाँ कि अभी दिल्ली पहुंच के हटांगे, तो जो करना है कर लै, पहला भी जोर ला के हटे हूं भी ला लै। ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿੱਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੈਲੀ ਹੈ 13 ਤਰੀਕ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇ ਵਰਦੀ DGP ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਵਰਦੀ IGP ਔਰ SP ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ जो व्हीकल पंचकुला चंडीगढ़ की तरफ है वो सावा से साहा रोड होते हुए नेशनल हाईवे नंबर 444 है, इससे सीधा साहा से सजारपुर और जो नेशनल हाईवे 344 है उसके ऊपर निकल देगा सीधा। और इसके साथ ही साथ जो सावा से बराड़ा की तरफ अदोया बराड़ा दूसरे का साइड है व्हीकल, वो भी हम डाइवर्ट कर रहे हैं। कुछ व्हीकल को जो करनाल से पीछे से आ रहे हमारे पास, वो उसको हम जो ताऊ देवीलाल कट है वहां से पीपली चौक से और फिर सीधे लाडवा साइड से, लाडवा से रादौर इंद्री, हाँ जी अभी डायवर्सन का ये प्लान है सर, जो जिनको दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाना है उनके लिए सर। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में किसानों के आंदोलन को लेकर के सुनवाई हुई। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई हुई है, जिसे लेकर के कोर्ट में सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने पंजाब हरियाणा केंद्र सरकार और यूटी चंडीगढ़ की पार्टी बनाई है, और साथ ही सुनवाई के दौरान किसानों के वकील ने दलील दी कि किसान पंजाब से दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते हैं, ऐसे में हरियाणा सरकार उन्हें बैरिगेड लगाकर क्यों रोक लगा रही है। संविधान के अनुसार प्रदर्शन सभी का मौलिक अधिकार है और इस मामले में गुरुवार को अगली सुनवाई होगी, जिसमें चारों पक्ष अपना जवाब रखेंगे। आज जो 2 PIL फाइल हुई थी, एक PIL में कहा गया था कि जो अवरोध लगाए गए हैं उनको हटाया जाए, दूसरे में कहा गया था कि जो किसान एजिटेशन के कारण ब्लॉकेड हो रही है उनको एजिटेशन वालों को कहा जाए वो ना किया जाए। तो इन दोनों पटिशनों पर इकट्ठी सुनवाई हुई है। हमने भारत सरकार की तरफ से बताया कि सारे रीजन में जो रेलवे की सर्विसेज हैं वो नॉर्मल चल रही हैं, दिल्ली से लेकर बठिंडा फिरोजपुर सब जगह नॉर्मल सर्विसेज चल रही हैं, कोई विघ्न नहीं है। जहाँ तक इशू का ताल्लुक है, भारत सरकार के 3 मंत्रियों ने 8 तारीख को और उसके साथ 2 सेक्रेटरी FCI के चेयरमैन, हमने बैठक की किसानों के प्रतिनिधियों के साथ,
फिर कल 12 तारीख को भी चंडीगढ़ में दो केंद्रीय मंत्री, दो सेक्रेटरीज और एफसीआई के चेयरमैन, उनके साथ भी बैठक हुई है। अज आप पीआईएल पाई सी फार्मर्स वालों की यह जेडे पीसफुल प्रोटेस्टर इन ते कोई धक्काशाही ना की जाए गवर्नमेंट वालों, तो जेडे ये ब्लोकेड लाए गए हैं, इन्हें इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर वर्गे ब्लोकेड लाए गए हैं, तो उन्होंने रिमूव किया जाए। साड़ी यह प्रेयर सी अज अपना तीनों चारों मेरे रिस्पोंडेंट्स अपीयर हो रहे सी केस दे ते पंजाब हरियाणा यूटी ते यूनियन, तो इन्हों च स्टेट ऑफ पंजाब का स्टैंड यह सी भी यह पीसफुल प्रोटेस्टर ने, तो स्टेट ऑफ हरियाणा का यह सी भी ये बड़े अग्रैसिव ने ते थ्रैट आ पब्लिक ऑर्डर नू। और किसान आंदोलन को लेकर के हरियाणा की कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है, किसानों को सरकार की तरफ से सम्मान निधि भी दी जा रही है, हरियाणा में 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने और क्या कुछ इस दौरान कहा है, सुनिए। सरकार से किसान के हित में सरकार ने निर्णय लिए तो मैं समझता हूँ कि किसानों का कहीं उसको समर्थन नहीं है, और ये जो सारा का सारा है ये केवल आंदोलन के लिए आंदोलन है, और ज्यादातर जो किसान संगठन है वो भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, उन्होंने अपने आप अपना हाथ पीछे खींच लिया, वो इस बात से सहमत नहीं है। और वर्तमान में सरकार ने जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि जारी की, और जो स्वामीनाथन जी ने कहा था कि भाई उत्पादन लागत कम होनी चाहिए, तो सरकार एक साल में 6,000 रुपये दे रही, तो जो 2, 2.5 और 3 एकड़ तक का किसान है, और जब जो कि बहुत बड़ी संख्या में मैं समझता हूँ 80% किसान जो है वो इसी स्तर का है, तो उसका जो खाद का जो दवाई का था पैसा वो सरकार ने दे दिया। और किसान आंदोलन को लेकर के डीसीपी रविंद्र तोमर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जवानों को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लाठी नहीं मारनी है, लाठी की खोद मारनी है। बता दें कि रविंद्र तोमर गोहाना में डीएसपी नियुक्त हैं, जिनको आंदोलन के चलते कैथल नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसानों की दिल्ली कूच के दौरान लाठीचार्ज की स्थिति उत्पन्न होने पर सुरक्षा बल को निर्देश देते हुए कहा है कि लठ नहीं मारने खोद मारनी है, इससे आपसे उनकी दूरी भी बनी रहेगी और चोट भी कम लगेगी। और आईटीबीपी को हम प्रैक्टिकली करके बता देंगे कि खोद क्या है, ये हरियाणा की एक खोज है। बता दें कि डीपी रविंद्र तोमर का ये वीडियो आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रहा है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। खोद मारनी है, लठ नहीं मारने, समझ गए? हाँ, उससे आपसे दूरी बनी रहेगी और उसको चोट कम से कम लगेगी। और आईटीबीपी को हम प्रैक्टिकली करके बता देंगे कि ये खोद क्या है। जैसे जुगाड़ है ना भारत का एक, ये हरियाणा की एक इन्वेंशन है, खोज है, खोद, तो ये हमें बता देंगे हम आपको बाद में। अब वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। किसानों की दिल्ली कूच को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कड़ी सुरक्षा में। सोशल मीडिया पर भी किसी तरह का भड़काऊ कंटेंट न डालें, इसे लेकर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है। इसके चलते एहतियात के तौर पर कई किसान नेताओं और संगठनों के एक्स अकाउंट पर रोक भी लगा दी गई है। और भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2020 के बैच में प्रथम रैंक हासिल करने वाले अधिकारी प्रदीप सिंह ने सोमवार को नूह जिला के अतिरिक्त उपायुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। एडीसी प्रदीप सिंह ने कहा है कि अंत्योदय की भावना के अनुरूप सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करवाने में अपना दायित्व जो है वो प्रभावी रूप से निभाएंगे। जिला नूह में चल रहे विकास कार्यों को गति प्रदान करते हुए जिला मुख्यालय नूह शहर सहित अन्य कस्बों के विकास को लेकर कार्य किया जाएगा। फैमिली आईडी में आ रही समस्याओं को दूर किया जाएगा और जिले के लोगों के साथ मिलकर विकास को रफ्तार दी जाएगी। आयोग की तरफ से जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो लिस्ट दी गई है उनमें से एक जो हरियाणा का एक जिला है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में आता है वो नूह है।
नू में विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है। हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग पैरामीटर्स जो हमारे एच डी आई के अलग अलग पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान दिया जाए और कोशिश की जाए कि सभी पैरामीटर्स में हम नू को आगे विकास के रास्ते पे लेके जाएं और वहाँ पे लोगों का अच्छे तरीके से जुहू के विकास हो सके। पर पीछे देखिए जिले के जितने भी जो अलग अलग हमारे कस्बे हैं चाहे वो शहर वाले जो कस्बे हों या फिर इवन जो रूरल हमारा एरिया है उन सभी एरियाज को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि मूलभूत सुविधाएं जो नागरिकों को मिलनी चाहिए जैसे कि बिजली है पानी है सड़क है तो वो हम कोशिश करेंगे कि लोगों तक पहुंचे। उसमें अगर किसी भी तरीके की कोई कमी अगर कहीं पे रहती है तो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके और अदरवाइज भी सरकार की तरफ से जो ग्रांट आती है हम कोशिश करेंगे कि वो सही टाइम पे उनका जो निवेश हो और लोगों को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो मिले। तो नू से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर विकास कार्यों को लेकर कार्य किए जाने की बात कही जा रही है और आपको बता दें कि इस दौरान जो है उपायुक्त के रूप में पदभार संभालने के बाद से 2020 के रैंक के ये विकास को लेकर बात कही है इन्होंने। तो नू से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि उपायुक्त के रूप में पदभार संभालने पर अधिकारी ने विकास करने की बात कही है। तो और खबर हरियाणा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।